सीतापुर में पुलिस की देर रात एक रिक्शा चालक से लूटपाट की घटना में शामिल बदमाशों से आज दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में दो साथी बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना हरगांव थाना क्षेत्र की है। यहां बीती देर रात कोतवाली देहात के ग्राम शादीपुर निवासी आकाश मौर्य ई रिक्शा चालक हैं। यह पीड़ित अपना काम खत्म करके वापस आ रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने असलहे के बल पर ई रिक्शा चालक से नकदी, मोबाइल सहित अन्य सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने घटना की सूचना के बाद तत्परता दिखाते हुए क्राइम ब्रांच और हरगांव की संयुक्त टीम ने बदमाशों की तलाश की और आज सुबह दिन दहाड़े एक रेलवे अंडरपास के अंदर भागते हुए पुलिस ने मुठभेड़ हो गई। पुलिस को नजदीक आता देख बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसमें पुलिस के साथ ही बाल बाल बच गए। बदमाशों की फायरिंग के बाद पुलिस की जवाबी कार्यवाही में बदमाशों के पैर पर गोली लगने से दोनों घायल होकर गिर गए। पुलिस ने मौके वारदात से दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों की पहचान संजय कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार निवासी इमलिया और शोभित तिवारी पुत्र अनिल तिवारी निवासी उपरोक्त के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त संजय थाने को हिस्ट्री शीटर है और शोभित की हत्या के मामले में काफी समय से वांछित चल रहा है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलहे में कारतूस और लूट की नकदी और अन्य सामान बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर वाइज न्यूज़।